पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में मधुपुर में न्याय यात्रा निकाली गई। मौके पर सूबे के खेल व पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने डालमिया चौक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर न्याय यात्रा की शुरुआत की। न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए मंत्री हफीजुल ने कहा कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर हेमंत सोरेन को फंसाने का प्रयास कर रही है, लेकिन झारखंड के लोग और झामुमो इससे डरने वाले नहीं। जब तक हेमंत सोरेन को न्याय नहीं मिल जाता आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा करों में भी न्याय यात्रा निकाली गई। पिछले दिनों केंद्र सरकार के एजेंसियों द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने बीजेपी सरकार मोदी सरकार के सामने अगर ये घुटना टेक लेते तो आज ये गिरफ्तार नहीं होते। लेकिन आपको याद है ये झारखंड का धरती है, आज़ादी का पहला विपुल संथाल विद्रोह जो हुआ था संथाल परगना से वो अंग्रेजों के खिलाफ यहीं से हुआ था, और आज उसी का माटी का लाल हमारे झारखंड के गांधी गुरु जी के बेटा माननीय हेमंत सोरेन जी ने भी दिखला दिया कि मैं आपके सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं आपके पास पर नहीं चलूंगा। आप देखे होंगे देश के बहुत सारे भ्रष्टाचारी नेता जैसे ही बीजेपी में गए वो दूध के धुले हो गए, और बहुत सारे उदाहरण हैं। मुझे नाज है अपने मुख्यमंत्री पर कि उन्होंने झारखंड का मान सम्मान बढ़ाया है। झारखंड जो वीर भूमि का जगह है, सिद्धू कानू चांद भैरव भगवान बिरसा मुंडा शेख भिखारी शेख के गुराओं का ये धरती है जो अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी अपने आप को सिलेंडर नहीं किया, लड़ते रहा, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का आंदोलन इसी तरह चलते रहेगा। सभी भाइयों से झारखंडी भाइयों आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक सभी से अपील है कि इस यात्रा में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें और सफल बनावें और दिखला दें।